દીવ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત હેલ્થ મેરાનું 2022 નિઃશુલ્ક નિદાન કેમ્પનું આયોજન થયું હતું. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત દીવ કલેક્ટર ફોરમન બ્રહ્માના માર્ગદર્શન હેઠળ દીવ જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ અધિકારી ડૉક્ટર KY સુલતાનના નેતૃત્વમાં સરકારી હોસ્પિટલ દીવ આરોગ્ય વિભાગ દીવ દ્વારા 19 એપ્રિલ 2022 રોજ સરકારી હોસ્પિટલ દીવ ખાતે હેલ્થ મેલા 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ હેલ્થ મેળામાં ગોકુલ હોસ્પિટલ રાજકોટના સ્પેશિયાલિસ્ટ અને સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટરો જેવા કે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર દિનેશ રોજીવાડિયા, યુરોલોજિસ્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર નરેશ સાપરિયા, સ્પાઇન સર્જન ડૉક્ટર કલ્પેશ બજાણિયા, પલ્મેનોલોજિસ્ટ તથા અન્ય નિષ્ણાત તબીબો ગોકુલ હોસ્પિટલ રાજકોટ દ્વારા નિઃશુલ્ક સેવાઓ આપવામાં આવી. આ ઉપરાંત ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશરની પ્રાથમિક તપાસ, ડિજિટલ હેલ્થ ID બનાવવાની સુવિધાઓ વગેરે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ. આ હેલ્થ મેળામાં 2022 અંતર્ગત 490 જેટલા દર્દીઓની વિવિધ વિભાગોમાં નિદાન કરી સારવાર આપવામાં આવી હતી. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. ઓનરેબલ એડમિનિસ્ટ્રેટર, સેક્રેટરી મેમ અને કલેક્ટર મેમ કે માર્ગદર્શન સે એક યહાં પર અપને હોસ્પિટલ દીવ હોસ્પિટલમાં એક હેલ્થ મેળા કા આયોજન કિયા હૈ. और इस हेल्थ मेला का जो उद्देश्य है हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जितने अपने जो पब्लिक है दीप की उनको सुपर स्पेशल सर्विसेज और स्पेशल सर्विस दोनों प्रोवाइड करें. जैसे कि वो पता है स्पेशल सर्विस हमारे और में सब सारी स्पेशल सर्विसेज हमारे हॉस्पिटल में हैं सर. और जो सुपर स्पेशल सर्विसेज में हमने जो टाइप किया गोकुल के राजकोट के हॉस्पिटल से टाइप किया और उन्होंने आज सर्विसेज दे रहे हैं उसमें है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट सर्विसेज है, न्यूरो सर्जन है, स्पाइन सर्जन है और यूरोलॉजिस्ट है. और नॉर्मल जो स्पेशल सर्विस जो हमारे रेगुलर है वो कंटिन्यू है जिसमें हमारे का गायनेकोलॉजिस्ट है, मेडिसिन फिजिशियन है, सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट एक्सेट्रा है हमारे पास में. और इसका मेन और इसके अंदर हम लोग स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं NCD स्क्रीनिंग अंडर NCD के अंदर जिसमें हम पेशेंट की जो है BP और उनका पैरामीटर्स लाइक BP, शुगर और अदर बीमारी के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो NCD के अंदर में कर रहे हैं. योगा के लिए भी हमने कैंप किया हुआ रखा है और आयुष डिपार्टमेंट की आयुष सर्विसेज भी हम दे रहे हैं. और इसका जो मेन उद्देश्य है इस कैंप का ये है कि हम जितने लोग अपने दीप के भी लें और जो दीप के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लोग भी हैं जो पेशेंट हैं जिनको राजकोट जाना पड़ता है स्पेशल सर्विसेज के लिए उनको ये सर्विसेज हम अभी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. और हम लोग आशा करता हूँ मैं ये कैंप ये लास्ट कैंप नहीं और भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली कैंप कर रहे हैं जिससे कि यहाँ की पब्लिक को